जैसे आप लोग उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि फाइनल आंसर की आ चुका है एसएसटी का, कल रात में ही आया हुआ था और बहुत सारे लोगों ने अपना स्कोर कार्ड मिला चुका है। आप सभी जानते हैं कि 8 क्वेश्चन में परिवर्तन देखने के लिए मिला हुआ है, 2 क्वेश्चन इतिहास का, 4 क्वेश्चन पोलिटिकल साइंस और 2 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का, जिसमें बदलाव देखने के लिए मिला है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो आयोग ने खुद आयोग क्या किया हुआ है कि जो अपना प्रूफ दिया, जो साक्ष्य प्रस्तुत किया है, उसमें एनसीईआरटी बिहार बोर्ड के अलावा अलग प्रकाशन का भी नाम मेंशन किया हुआ है। और मैं पहले भी बोलता था कि आप सभी भी क्या कीजिए कि अगर एनसीईआरटी बिहार बोर्ड में जो चीज़ें नहीं मिल रही है, अदर प्रकाशन मिल रही है, तो उसको जरूर डालिए। वो डिपेंड करता है कि आयोग माने या ना माने, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें तो अब खत्म हो चुकी है, स्कोर आ चुका है, आप सभी उम्मीद है कि मिला चुके होंगे। और मिलाने के बाद अगर आप TRE4 की तरफ बढ़ रहे हैं तैयारी करने के लिए, या न्यू स्टूडेंट TRE4 की एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए आज पूरी डिटेल से मैं बताने वाला हूं कि इतिहास, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस और इवन साइंस जो मेन में पूछेगा, इन सभी चीजों की तैयारी कैसे करेंगे। GS40 मार्क का मैं ऑलरेडी पहले वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूं, अगर आप सभी नहीं देखे होंगे तो जाइएगा, मिल जाएगा इसी चैनल पर वीडियो, वहां से देख सकते हैं। आज की वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपके जितने भी डाउट है या जितने भी आपने क्वेश्चन पूछा हुआ था, सारे क्वेश्चन को मैं बताने की कोशिश करूंगा। और रही बात की कोई भी डाउट अगर रह गया तो मैं नंबर यहाँ पर मेंशन कर दूंगा, बेधड़क आप कॉल कीजिएगा, पूछ लीजिएगा। शुरू करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले इतिहास से बात करेंगे, हमें इतिहास जो है कहाँ से पढ़नी चाहिए ताकि पूरी की पूरी क्वेश्चन बन जाए। जैसे कि 1 to 5 में 20 से 25 इतिहास के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, 6 to 8 और 9-10 में आपको 40 इतिहास क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मेन में। GS के लिए ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब एक एक करके बात करेंगे कि 1 to 5 के लिए इतिहास में क्या पढ़ना चाहिए। तो इतिहास में हमें 1 to 5 वालों के लिए सिर्फ आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा। कहाँ से पढ़ेंगे, बुक कौन सा ले, हर चीज मैं बता दूंगा। PDF कैसे मिलेगा, MCQ कैसे लगाएंगे, टोटल मैं डिटेल से बताऊंगा, धैर्य रखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। यहाँ पर 6 to 8 के लिए और 9-10 के लिए दोनों का सिलेबस सेम टू सेम, कोई बदलाव नहीं, क्वेश्चन भी उसी तरह से आते हैं। प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और विश्व, ये चारों ही पढ़ना है। अब ये आधुनिक में क्या है कि आधुनिक में कहाँ से पढ़ेंगे, इसको मैं बता रहा हूँ आप सभी को। आधुनिक में जो है दो कंडीशन है, एक कंडीशन क्या होता है, कंडीशन नंबर 1 आधुनिक में क्या होता है कि आप करते हैं क्या, सिर्फ 1847 से लेकर आप जो है 1947 जो है 57 से 1947 तक, यानी 1857 की क्रांति से लेकर 1947 की क्रांति तक पढ़ते हैं। आपको लगता है कि सिर्फ यहीं से हो जाएगा, यहां से क्वेश्चन मैक्सिमम आता है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपके पास प्रॉपर टाइम है, समय है, आप जो है इसको लापरवाही नहीं कीजिएगा, आप पूरी 8 क्लास पढ़िएगा। 8 क्लास कौन कौन सा, तो याद रखिएगा 8 क्लास आपको पढ़ना है NCERT और बिहार बोर्ड दोनों ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है, NCERT और बिहार बोर्ड दोनों ही पढ़ना है। कौन सा, NCERT और बिहार बोर्ड दोनों पढ़ना है। 8 क्लास में जो है बिहार बोर्ड में आइएगा, बिहार बोर्ड में तो कितना चैप्टर है, तो बिहार बोर्ड में है 13 चैप्टर। वही जो है NCERT में कितना चैप्टर है, तो याद रखिएगा NCERT में 10 चैप्टर है, ठीक है, ये समझ आ गया। इसके अलावा क्या यही पढ़ लेंगे, नहीं, ये दोनों मिलाकर तो आपका जो हो जाएगा कितना, 23 चैप्टर पढ़ लेना है, ठीक है। इसके अलावा क्या पढ़ना है, इसके अलावा आपको पढ़ना है क्या, दूसरा जो है आपका पढ़ना है क्या, 10th क्लास के चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। क्या नाम है, भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद, ये चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है। और ये जो चैप्टर है इसका भी अलग अलग कंडीशन है। NCERT में चैप्टर नंबर ये 2 है और बिहार बोर्ड में ये चैप्टर नंबर 4 है, यानी कि कुल मिला के एक चैप्टर ये हुआ, क्या हुआ, एक चैप्टर ये हुआ, एक नहीं दोनों मिला देंगे तो 2 चैप्टर हुआ, ठीक है। टोटल हो गया कितना, 25 चैप्टर, कितना, 25 चैप्टर, यानी कि ओवरऑल आपको 25 चैप्टर पढ़ना है बिहार बोर्ड और NCERT के किताबों से, यानी सरकारी स्कूल की किताबों से। 1 to 5 के लिए आप पढ़ लीजिएगा 25 चैप्टर। कोई भी डाउट रहेगा तो जरूर पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 25 चैप्टर यहाँ से पढ़ लीजिएगा। क्या यहाँ से पढ़ लेंगे तो हो गया मेरा काम, नहीं, अभी भी काम अधूरा है, अभी भी काम अधूरा है। अब क्या करेंगे, तो आप तीसरा काम कीजिएगा, स्टैटिक GK टाइप का एक बुक आता है, कौन सा बुक आता है, तो बुक का नाम है लूसेंट बुक। जरूरी नहीं है कि लूसेंट ही, लूसेंट की तरह बहुत सारे बुक आते हैं, लूसेंट जीके जो आता है, इस GK में अगर देखेंगे तो एक RBD का प्रकाशन का आता है, आपको दिखा चुका हूँ, एक अरिहंत का आता है, किसी भी प्रकाशन का आपके पास बुक मौजूद है, उस बुक से
लूसेंट टाइप का, लूसेंट टाइप का, लूसेंट टाइप कहने का मतलब क्या, ऐसा बुक जिसमें सब सब्जेक्ट एक साथ नहीं रहते हैं, जिसमें इतिहास भूगोल पॉलिटिकल सब रहता है कि नहीं रहता है। लूसेंट आप सभी तो जानते हैं, जो भी जनरल कंपटीशन की दुनिया में आना चाहता है मैट्रिक के बाद, इंटर के बाद, मतलब कभी भी आना चाहता है, पहली नाम तो लूसेंट का ही सुनता है, हर किसी को पता है लूसेंट जीके के बारे में। तो इस टाइप का यही बुक हो या इस टाइप का कोई भी बुक हो, कोई भी बुक हो, खरीदना नहीं आपको, हाँ इवन कि कुछ नहीं होगा आपके पास, यहाँ तक कि एनसीईआरटी बिहार बोर्ड भी किताब नहीं होगा, तो मैं आप सभी के लिए एप्लीकेशन को प्रोवाइड करा दूंगा, ऑलरेडी वहाँ पर अपलोडेड है, आप एप्लीकेशन का नाम मेंशन कर दूंगा ये कमेंट बॉक्स में, वहाँ पर जाइएगा, पिन कर दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट लिंक पहुँचेगा और जाके एप्लीकेशन में देख लीजिएगा, हर चीज़ मिल जाएगा, जो भी चीज़ यह बताऊँगा वहाँ पर मिल जाएगा। और जो मैं ऑप्शन में बताऊंगा कि इसके अलावा आपके पास कोई बुक हो तो बुक से पढ़ सकते हैं, खरीदिएगा नहीं, हाँ खरीदने का मन होगा कि नहीं मुझे खरीदना ही है, पीडीएफ से काम नहीं चलेगा, तो खरीद लीजिएगा, आपकी चॉइस है, बशर्ते मैं बता रहा हूँ कि इसमें से कोई भी बुक, तो आपको 8th क्लास और 10th क्लास दोनों मिला के 25 चैप्टर पढ़ना है 1-5 वालों के लिए, उसके बाद लूसेंट जीके से आधुनिक भारत का इतिहास सिर्फ पढ़ लेना है, इतना से आपका काम चल जाएगा, काम नहीं बेहतर आपका पकड़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेहतर पकड़ हो जाएगा। और लास्ट में हर सब्जेक्ट का PYQ तो करना ही है, हर सब्जेक्ट का करना है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, जो पूर्वावलोकन जो बुक आता है घटना चक्र का, उसे तो करना ही है, वो तो बहुत अति आवश्यक है, वो लास्ट में बताऊंगा कैसे करना है। अब आ जाते हैं हम लोग 6-8 और 9-10 को समझते हैं, इसको कैसे पढ़ना है, दोनों का सिलेबस पूरी तरह से सेम टू सेम है, क्वेश्चन भी उसी तरह रहते हैं, तो अलग अलग दोनों की बात नहीं की जाएगी, सेम बात की जाएगी। अब इनको कैसे पढ़ेंगे, सेम वही प्रक्रिया, एनसीईआरटी बिहार बोर्ड की किताब उठाइएगा, एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड की किताब उठाइएगा, एनसीईआरटी बिहार बोर्ड का कौन सा, 6th क्लास, 7th, 8th क्लास, 9th और 10th क्लास, सेम टू सेम दोनों का, दोनों का यानी पांच क्लास एनसीईआरटी और 5 क्लास बिहार बोर्ड, ये दोनों ही पढ़ लेना आप लोग कंप्लीट में। हम लोग जो है बैच में जो 8th क्लास 9th क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, 10th क्लास आधा हो चुका है लगभग, ये भी खत्म होने के कगार पे है, 6th और 7th बाकी है, इसको भी बहुत जल्द आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा इतिहास का, ठीक है, ये चीजें हो जाएगा आपको, हो जाएगा कंप्लीट। अब आगे समझते लो, बिहार बोर्ड भी उसी तरह हम लोग जो है 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास कंप्लीट हो चुका है, 6th और 7th जो है बाकी है, ये भी जल्द हो जाएगा। इसका बुक भी मैंने ऑलरेडी जो है पीडीएफ जो है आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है, इतिहास का पीडीएफ ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया, जिसमें हाईलाइट किया गया है, मार्क किया हुआ पीडीएफ है ना, मार्क किया हुआ पेज बाई पेज, लाइन बाई लाइन मार्क किया हुआ, साथ ही साथ मैं इसके एमसीक्यू भी प्रोवाइड करा दिया हूँ आप सभी को, एमसीक्यू भी करा दिया हूँ। एमसीक्यू जो है आपको पता है 6th क्लास का सिर्फ एमसीक्यू है जो 313 है, उसी तरह 7th, 8th, 9th, 10th जो है लगभग 300 से प्लस है। ओवरऑल देखेंगे सिर्फ इतिहास का जो है आपको जो है 1500 से लेकर 1800 जो है एमसीक्यू है, कौन सा एमसीक्यू, पर्सनल खुद का बनाया हुआ चैप्टर का, एनसीईआरटी बिहार बोर्ड चैप्टर का लाइन बाय लाइन है ना, ये अपना बना हुआ उसको मैं बता रहा हूँ, उसके अलावा जो है घटना चक्र के एमसीक्यू है, उसके अलावा अलग अलग प्रकाशन के एमसीक्यू है, उसके अलावा अलग अलग जगहों से बना हुआ एमसीक्यू है, ठीक है वो अलग है, ये सिर्फ और सिर्फ मैं बता रहा हूँ 1500 से लेकर 2000 जो एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो सिर्फ अपना बना हुआ एनसीईआरटी का, इन सभी जगहों से अगर कर लेते हैं तो ये चीजें आपकी जो है बेहतर तैयारी हो जाएगी। आप सभी को ऑलरेडी पता है कि एनसीईआरटी बिहार बोर्ड ये दो चीजें जो है यहाँ से 70% क्वेश्चन आते हैं, 70 से 80% तक है ना। अब रह गया जो 30%, उसकी तैयारी के कैसे करनी है वो मैं बता रहा हूँ, और हो सकता है ये रेशियो जो है बदल भी सकता है आने वाले समय में, हो सकता है कि एनसीईआरटी बिहार बोर्ड से क्वेश्चन कम रहे, अदर प्रकाशन से किताब क्वेश्चन वगैरह ज्यादा रहे, तो आपको दोनों लेके चलना है, प्रॉपर टाइम है, ऐसा नहीं है घबराना नहीं है कि कहिएगा भाई टाइम नहीं है मेरे पास पढ़ने के लिए, नहीं प्रॉपर टाइम है, और हर चीज मैं अवेलेबल भी करा रहा हूँ, ऐसा भी बहाना नहीं है कि भाई मेरे पास एनसीईआरटी नहीं है, बिहार बोर्ड नहीं है, ऐसा कुछ बहाना नहीं है, कोई अदर बुक भी बताऊंगा वो भी मैं आप लोगों को दे दूंगा यहाँ जी। अब यहाँ देखेंगे तो 6-8, 9-10 में एनसीईआरटी बिहार बोर्ड से हो जाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं होगा, इसके अलावा जो है आपको अदर बुक पढ़ना है, अदर बुक में कौन सा पढ़िएगा, तो अदर बुक आप पढ़िएगा कौन सा, तो याद रखिएगा अदर बुक आपको क्या पढ़ना है, अदर बुक आपको पढ़ना है महेश कुमार बर्णवाल का, किसका, महेश कुमार बर्णवाल का, ठीक है महेश कुमार बर्णवाल का, या आपके पास जिस भी प्रकाशन का हो, सकता है आपके पास अरिहंत का हो सकता है आपके पास दृष्टि का हो, ठीक है हो सकता है आपके पास स्पेक्ट्रम हो सकता है आपके पास क्या हो, स्पेक्ट्रम, जो भी प्रकाशन का हो जिस भी तरह का बुक आपके पास रखा हो, कोई जरूरी नहीं है कि मैं जो बताऊंगा वही बुक में, मैं जो बुक दिखा रहा हूँ ये बुक आपको दिखा रहा हूँ, ये बुक में क्या अंतर है क्या खास है, तो ये जो बुक है ओल्ड एनसीईआरटी है,
और आप भी अक्सर सुनते होंगे, जितने भी जो परीक्षा विभाग के आयोग के जो अधिकारी हैं, चेयरमैन हो या जो भी हो, उनका हमेशा कथन रहता है कि ओल्ड एनसीईआरटी में कंटेंट ज़्यादा है, चैप्टर ज़्यादा है, क्वेश्चन वहाँ से ज़्यादा आते हैं। तो ये जो बुक है ना, आपको अगर ऑनलाइन मिल जा रहा हो तो आपको अगर खरीदना होगा तो खरीद सकते हैं, नहीं तो इसका जो है पीडीएफ मैं ऑलरेडी मैं प्रोवाइड करा दिया हूँ, एप्लीकेशन में अपलोड कर दिया हूँ। इसमें जो है ये इसका जो हाईलाइट किया हुआ सारा चीज़ धीरे धीरे अपलोड हो रहा है, बहुत सारे वहाँ चीज़ मिल जाएगी। इसके अलावा आपके पास अरिहंत का हो, दृष्टि का हो, या किसी भी प्रकाशन का हो, तो जरूरी थोड़ी है कि इसी से पढ़िएगा। मेरे पास है जो वो चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि आपको पढ़ना होगा तो पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी, आप ऐप से जाकर उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है, या अपने बुक से कहीं से पढ़ सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी बिहार बोर्ड के अलावा किसी अदर प्रकाशन पर जरूर पढ़िएगा, है ना, क्योंकि कुछ चीज़ें एनसीईआरटी बिहार बोर्ड में कम दिया गया है, कम मतलब शॉर्टकट में दिया गया है, उसको डिटेल में थोड़ा समझना जरूरी है 6-8 और 9-10 वालों के लिए। हाँ, इसके बाद क्या करना है ये तो समझ आ गया आपको, इसके बाद क्या, यानी एनसीईआरटी बिहार बोर्ड पढ़ लिए, अदर प्रकाशन का कोई भी किताब से पढ़ लिए, इसके बाद क्या करिएगा, इसके बाद आप भी क्या कीजिएगा, स्टैटिक जीके उठाइएगा, कौन सा, सेम वही लूसेंट वाला। आप कहेंगे कि लूसेंट से क्या फ़ायदा है, नहीं फायदा है, लूसेंट क्या है, एक तरह से शॉर्ट नोट्स है, एक शॉर्टकट नोट्स है। जब ये चीज़ें पढ़ते आइएगा ना, एनसीईआरटी बिहार बोर्ड पढ़ लिए, अदर प्रकाशन से डिटेल में पढ़ लिए, तब आप लूसेंट उठाइएगा ना, तो लूसेंट एकदम धुआंधार लगेगा, लगेगा कि हर चीज़ें इसमें से जानते हैं। हो सकता है कुछ 1% चीज़ें आपको नया देखने के लिए मिलेगा, वो न्यू चीज़ें अच्छा हो जाएगा कि आप उसको ग्रहण कर ले, अपने दिमाग में लोड कर ले, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, है ना। तो वो आपको स्टैटिक जीके टाइप के लिए लूसेंट, आरबीडी, किसी भी प्रकाशन का बुक जिसमें ऑल सब्जेक्ट एक साथ रहता है, जैसे महेश कुमार बनवाल का भी आता है, लूसेंट की भी आता है, जिस भी प्रकाशन का हो, मैं आप लोग को लूसेंट का उसमें पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग को एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, ठीक है। आपके पास जिस भी प्रकाशन का हो वो पढ़ लीजिएगा, और ये पढ़ना होगा तो मिल जाएगा, या तो आपके पास होगा नहीं तो एप्लीकेशन से, समझ जाएगा। लेकिन पढ़ना है, अभी प्रॉपर टाइम है, भागना नहीं है, डरना नहीं है, है ना। और ये चीज़ें मैं टास्क दूंगा आप लोगों को, डेली टास्क दूंगा करने के लिए, मैं बताऊंगा टास्क कब से शुरू होगा, जिसमें चैप्टर दिया जाएगा एनसीईआरटी बिहार बोर्ड का कि इतना चैप्टर पढ़ के आइए, और डेली शाम में उसको सुना जाएगा ये लाइव आके आप लोग ऑन द स्पॉट। क्विज होता है ना, जैसे मॉक टेस्ट, समझिए कि एक ग्रुप डिस्कशन होगा पूरी लाइव आके हर किसी के साथ, जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, जो लोग भी रूटीन फॉलो करना चाहते हैं कर सकते हैं, बैच में हो या बैच में नहीं हो, दोनों ही कंडीशन में आप जुड़ सकते हैं। अब ये पीवाईक्यू तो हर किसी के लिए करना ही, ये पूर्वावलोकन से ये समझ आएगा आप सभी को, है ना। और ये जो है ना एनसीईआरटी बिहार बोर्ड का जो किताब है, ये बुक जो है ना, बुक आप पढ़िएगा ना, बुक जो पढ़िएगा, चैप्टर जो पढ़िएगा, जो बुक का जो चैप्टर पढ़िएगा, तो याद रखिएगा चैप्टर पढ़ने के साथ साथ, चैप्टर पढ़ने के साथ साथ उसके एमसीक्यू लगा लीजिएगा ना चैप्टर के अंदर का, है ना, यानी चैप्टर के अंदर से बना हुआ एमसीक्यू मेरे पास है, मैं उसको ऑलरेडी एप्लीकेशन पर अपलोड किया हूँ, तो समझिए कि चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, यानी चैप्टर पढ़ लिए और चैप्टर से रिलेटेड कम से कम जो है 50+ एमसीक्यू लगा लिए, किसी किसी चैप्टर में 70 है, किसी किसी चैप्टर में 40 भी है कि नहीं है, तो चैप्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि चैप्टर में कितने कंटेंट उसके अंदर मौजूद है, कितने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अगर चैप्टर पढ़ के उसके एमसीक्यू लगा लिए तो समझिए कि वो किताब आपकी पूरी तरह से दिमाग में लोड हो गया। ये पर्सनल अपना एमसीक्यू की मैं बात कर रहा हूँ, जो अपना एमसीक्यू बना हुआ ऐसे मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा एमसीक्यू जो है ना हर चैप्टर का बना हुआ है, पूरे किताब का ही बना हुआ है एनसीईआरटी बिहार बोर्ड मिक्स करके, समझ आ गया। अदर बुक जो है, अदर बुक का भी एमसीक्यू बना हुआ है, वो अलग से है, है ना, वो अलग से, ये अलग से है, यानी कि एनसीईआरटी बिहार बोर्ड का एमसीक्यू जो पर्सनल बना हुआ उसको अलग दे दूंगा, अदर बुक जो है महेश कुमार बनवाल उसके एमसीक्यू अलग से आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, लूसेंट के एमसीक्यू अलग से प्रोवाइड करा दूंगा, हर तरह का थ्योरी प्लस एमसीक्यू हर तरह का है मेरे पास में, अरे हर तरह की चीज़ें आपको मिल जाएगी, पढ़ना आपको है ना, ऐसा नहीं है चीज़ें नहीं है, चीज़ें इतनी ज़्यादा है आपको पढ़ने के लिए। और ज़्यादा कहने का मतलब क्या ना कि ऑन द स्पॉट पढ़िए, उसका टेस्ट लगा के देखिए, पढ़िए टेस्ट लगा के देखिए, और मेरे पास फिर उसके सामने आइए और मैं उसको आप लोग को ओरल एक टेस्ट ले लूँगा मौखिक, आप वहाँ पर एकदम समझिए कि हाँ चीज़ें एकदम कन्फर्म मुझे याद हो गई है, फिर दोबारा आप लोग रिविजन करते रहेंगे, भूलिएगा नहीं कभी भी। इतिहास का समझ आ गया आप सभी को। अब आइए बात करते हैं हम लोग जो है, बात करते हैं भूगोल का। भूगोल में देखेंगे तो 1-5 के लिए सिलेबस बड़ा है, बाकी 6-8 वालों के लिए सिलेबस छोटा है। जैसे इतिहास में इनके लिए कम था, उनके लिए ज़्यादा था, इस कंडीशन में इनके लिए बहुत ज़्यादा है और आप सभी के लिए यानी 6-8, 9-10 वालों के लिए बहुत ही कम सिलेबस है, कंपेयर टू दोनों में किया जाए तो। इसमें जो है विश्व भूगोल, भारत का भूगोल और बिहार का भूगोल तीनों ही पढ़ना है,
और 6 to 8, 9, 10 वालों के लिए ज्यादा भारत का भूगोल है। बिहार का भी भूगोल पूछता है, बिहार का भी भूगोल पूछता है लेकिन कम पूछता है, लेकिन ज्यादा भारत का भूगोल है। ठीक है, भारत का भूगोल ज्यादा पढ़ना आप सभी को। अब ये विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और बिहार का भूगोल 1 to 5 वाले के लिए पहले बताता हूँ कैसे पढ़ना है उनको। उनको पढ़ना है एनसीईआरटी बिहार बोर्ड का किताब उठाएंगे, कहाँ से 6 क्लास से उठाएंगे और 10 क्लास तक पढ़ लेंगे पूरी की पूरी एनसीईआरटी बिहार बोर्ड। फिर अगेन वही बोलूंगा, किताब है मेरे पास में, आपके पास हो नहीं हो हमसे ले लीजिए, पढ़ लीजिए, हाईलाइट किया हुआ एमसीक्यू भी है लगा लीजिए, जैसे भी करनी आपकी इच्छा है। अब ये समझ आ गया कि एनसीईआरटी बिहार बोर्ड से पढ़ना है 6 से लेकर 10 वाले किसके लिए ना, 6 से लेकर 10 तक पढ़ना है आपको जो है 1 to 5 वालों के लिए। अदर बुक आप क्या पढ़ेंगे, अदर बुक अगेन बोलेंगे कि लूसेंट पढ़िएगा, लूसेंट जरूर पढ़ लीजिएगा, लूसेंट जो है पढ़ लीजिएगा और इसका एमसीक्यू बना लीजिएगा 1 to 5 वाले, 1 to 5 वाले में जिसको स्टैटिक बोला जाता है। अदर वाला आपका जरूरी नहीं है, किनके लिए 1 to 5 वाले, अदर बुक जो है इनके लिए जरूरत होता है क्योंकि थोड़ा सा इनको डिटेल में पढ़ना रहता है। ठीक है, सिर्फ आपको स्टैटिक जीके लिए लूसेंट पढ़ना जरूरी है और पीवाईक्यू लगा लेंगे, हो जाएगा आपका। अब आइए 6 to 8 वालों के लिए, 6 to 8 वालों के लिए क्या पढ़ना है, तो 6 to 8 वाले जो है 8 क्लास 9 क्लास और 10 क्लास, ये 3 क्लास का जरूर पढ़िएगा। अगर बहुत कम समय है तब 8 क्लास छोड़ दीजिएगा, लेकिन अभी तो बहाना नहीं है, अभी तो आप थोड़ी बोलिएगा कि मेरे पास कम समय है, अब समय तो प्रॉपर है, तो आप 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास ये तीनों क्लास एनसीईआरटी बिहार बोर्ड का पढ़ लीजिएगा पूरी तरह से। उसके बाद आइए अदर बुक, अदर बुक में हमेशा से मैं बताता आ रहा हूँ और हमेशा आज भी मैं बोलूँगा, बुक मैं आपको दिखा रहा हूँ आज भी दिखाऊंगा, ये वाला बुक आना, ये वाला बुक बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और दूसरे बुक को मैं बोल रहा था कि आप ऑप्शन ले लीजिए, कोई भी बुक से पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसमें पूछेगा तो मैं बोलूँगा कि ऑप्शन इसमें मैं नहीं देना चाहूँगा कि इसके अलावा कोई भी प्रकाशन को पढ़िए, ऐसे नहीं, इसको पढ़ लीजिए, है ना। ये इसमें मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, ट्रस्ट इसमें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, तो इसको मैं कह रहा हूँ कि इसको पढ़ लीजिएगा। इसका ये बुक ओल्ड एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी से क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं आपको ऑलरेडी पता है, ओल्ड एनसीईआरटी ये जो बुक है ना पुराना बुक है नहीं मिल पाएगा, हो सकता है कि अगर ऑनलाइन पुराना कोई बेच रहा होगा तो किसी साइट पर देखिएगा मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं पीडीएफ आप लोग को दे ही रहा हूँ ऑलरेडी अपलोडेड है आपके जो है एप्लीकेशन पर। ठीक है, तो वहाँ से ये पढ़ लीजिएगा। अगेन जो है आप लोग भी स्टैटिक जीके के लिए लूसेंट आप लोग भी पढ़िएगा, और आप लोग को लगेगा कि लूसेंट क्या ये चीज़ें, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ लूसेंट, जब एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, बिहार बोर्ड पढ़ लीजिएगा और उसके बाद ये महेश कुमार बनवाल का ज्योग्राफी पूरा पढ़ लीजिएगा, तो फिर लूसेंट बचेगा क्या, बचेगा क्या, वही चीज़ तो है ना, रिवीजन होगा एक शॉर्ट नोट से आपका, तो ऐसा थोड़ी कुछ नया कह रहा हूँ पढ़ने के लिए, उसको रिवीजन करने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि एक बार पढ़ लीजिएगा, 1% कुछ चीज़ें नया मिलेगी तो अच्छी बात है ना। लूसेंट में क्या पढ़िएगा, तो लूसेंट पढ़िएगा सिर्फ भारत का भूगोल, उसमें पूरा भूगोल नहीं पढ़ना है, विश्व का भूगोल इनके लिए नहीं पढ़ना है, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल ये लोग पढ़ेंगे। 6 to 8, 9, 10 वाले ओनली आप भारत का भूगोल पढ़िएगा लूसेंट से भी, ठीक है। और महेश कुमार बनवाल तो पूरा भारत का ही भूगोल है, किताब आपने दिखाया उस पर लिखा ही था भारत का भूगोल, ठीक है, और 8, 9, 10 भी भारत का ही भूगोल है, समझ आ गया। और पीवाईक्यू कर लेना, ये बहुत जरूरी है, ऐसे कीजिएगा आपका देखिएगा क्वेश्चन कुछ नहीं छूटेगा, पूरी की पूरी क्वेश्चन वहां से आती है। और एक मेरे भाई का मैसेज था कि न्यू महेश कुमार बनवाल से क्वेश्चन नहीं था, तो मैंने कब न्यू बोला हूं बताइए आप सभी, हमेशा से मैं बोलते आ रहा हूं, बुक दिखाते आ रहा हूं कि ओल्ड एनसीईआरटी का बुक है महेश कुमार बनवाल, नया जो महेश कुमार बनवाल का जो बुक आया हुआ है वो न्यू एनसीईआरटी वाला वर्जन है, तो उसमें क्वेश्चन मतलब कि कॉन्टेंट कम है, तो क्वेश्चन ज्यादा मैच नहीं कर रहा है। आप इस बुक से आप आइए, मैं दिखा रहा हूं आपको, यह दिखाऊंगा क्या, ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है जिसमें मैंने इसका एनालिसिस करके दिखाया हुआ, TRU 2 का भी दिखाया हुआ, 3 का जो कैंसिल हुआ एग्जाम उसका भी दिखाया हुआ है, री एग्जाम का भी दिखाया हुआ, क्वेश्चन मैक्सिमम यहीं से रह रहे हैं, तो कितना बार वीडियो बना चुका हूं आप सभी ऑलरेडी जानते हैं, प्रूफ दे चुका हूं, है ना। तो यहां से पढ़िएगा तो हो जाएगा बेहतर तरीका से। अब आइए पॉलिटिकल साइंस के लिए, कहाँ से तैयारी करें पॉलिटिकल साइंस के लिए, 1 to 5 के लिए पॉलिटिकल साइंस बहुत ज़रूरी नहीं है, मतलब कहने का मतलब कि उतना माथा पेची आप नहीं कीजिएगा, उतना परेशान मत होइएगा कि भाई कहाँ से करें हम भाई, है ना, ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन ही पूछेगा, 4 से 5 क्वेश्चन ही पूछेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 क्वेश्चन पूछेगा, और क्या पूछेगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, ठीक है, इससे ज़्यादा तो पूछेगा नहीं, 4 से 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन पूछेगा, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए एक मात्र तरीका है, बहुत बेहतर तरीका है, आप स्टैटिक जीके वाला जो है ना, स्टैटिक जीके यानी कि लूसेंट का, लूसेंट अगेन बोल रहा हूँ, लूसेंट का RBD प्रकाशन का या किसी भी प्रकाशन का बुक है नहीं है पढ़िए मेरे से लेकर, लेकिन इसको पढ़ लीजिए सिर्फ किसके लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए आप पढ़ लीजिए 1 to 5 वाले, कन्फर्म क्वेश्चन लड़ जाएंगे, कन्फर्म
इससे बाहर नहीं रहेगा, इससे बाहर आपका जो है क्वेश्चन नहीं रहेगा, इससे बाहर क्या है क्वेश्चन नहीं रहेगा। बहुत सारे लोगों का लगातार कॉल आते रहता है, है ना, आप लोग यही इसी कल से ही आप लोग पूछ रहे हैं कि क्या कैसे पढ़े, किस तरह पढ़े, तो सोचा एक वीडियो बना दिया जाए ताकि सबकी हेल्प हो सके। अब 6 to 8 9 10 वालों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता है पॉलिटिकल साइंस के लिए, वो कैसे करेंगे पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो उनको एनसीईआरटी बिहार बोर्ड पढ़ना है कहाँ से कहाँ तक, तो एनसीईआरटी बिहार बोर्ड पढ़ना है 8th class 9th class और 10th class, ये तीनों क्लास पढ़ लेना है बहुत डिटेल से। अदर बुक में क्या पढ़े, अदर बुक में मेरे पास है यहाँ पर भारत की राज व्यवस्था ना, यहाँ पर देखेंगे तो एम लक्ष्मीकांत, ठीक है, सिविल सेवा परीक्षा हेतु, ठीक है, एमसी ग्रो हिल, ये जो है एजुकेशन का ये बुक आता है, ये जो है बुक आपके पास अगर होगा तो पढ़ सकते, नहीं होगा तो इसकी पीडीएफ अभी तो नहीं है, अभी मैं एप्लीकेशन में नहीं अपलोड किया हूँ क्योंकि पीडीएफ बहुत ज़्यादा है ना, इसको मेन चैप्टर जो है जरूरी है, जैसे भारतीय राज व्यवस्था से क्वेश्चन ज़्यादा रहता है उसको मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा, या आपके पास अगर ये बुक होगा तो उससे पढ़ लीजिएगा, इससे पूरे पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन आपके बन जाएंगे एनसीईआरटी बिहार बोर्ड पढ़ने के बाद। स्टैटिक टाइप का लूसेंट भी पढ़ लीजिएगा लास्ट में, और पीवाईक्यू भी लगा लीजिएगा, हो जाएगा, वहां से क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। अब आइए साइंस का आइएगा, तो साइंस का आपको बोलूंगा, साइंस के लिए एक बहुत जबरदस्त बुक है, बहुत जबरदस्त बुक आपको पढ़ना क्या है, तो आप पढ़िएगा क्या, यहां पर पढ़िएगा आप जो है क्या पढ़िएगा, इसका भी एनसीईआरटी बिहार बोर्ड पढ़िएगा, और 1 to 5 वालों के लिए जनरल साइंस का क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज्यादा नहीं पूछता है। यहां से आपको 1 to 5 वाले क्या करेंगे कि एनसीईआरटी बिहार बोर्ड 8th class 9th class और 10th class, ये तीन क्लास पढ़ लेंगे, उसमें भी 8th class पूरी पढ़िएगा और 9th 10th में मेन चैप्टर पढ़िएगा, चैप्टर का नाम बता दूंगा, उस चैप्टर को पढ़ लीजिए। फिलहाल एक बार पूरी किताब को पढ़िएगा, तीनों किताब को, दूसरी बार मैं बताऊंगा, अभी बाद में बताऊंगा आप लोगों को। देखिए शुरू में चैप्टर इसलिए नहीं बताता हूं ना, जैसे ही चैप्टर का मैं नाम रखूंगा ना तो आपके दिमाग में आलस आ जाएगा, आपके दिमाग में आलसीपन आ जाएगा, आप उसी चैप्टर पर डिपेंड हो जाएंगे कि चलो भाई सर तो बोले इसी चैप्टर को पढ़ लेते हैं, है कि नहीं है, तो पहले पूरी किताब पढ़ जाइए। नेक्स्ट जो है आपको 10-15 दिन में जब पूरी किताब खत्म हो जाएगा तब मैं बताऊंगा कि चैप्टर कौन से ध्यान दे, ठीक है, तो वो मैं बता दूंगा आप सभी को, डिटेल से समझा दूंगा। यहाँ आ जाइए, 8, 9, 10 आपको पढ़ लेना है, ठीक है ना, और पढ़ने के बाद आप सभी को क्या है, और इसमें जो ध्यान क्या देना है, बायोलॉजी के क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा रहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री का थोड़ा क्वेश्चन कम रहता है, लेकिन कभी कभार फिजिक्स के भी क्वेश्चन दे देता है ज़्यादा, लेकिन मोस्टली बायोलॉजी ज़्यादा रहता है, तो बायोलॉजी आपको डिटेल से पढ़ना है, ठीक है, चैप्टर बता दूंगा लास्ट में कि कौन कौन सा पढ़ना है, मतलब आज की वीडियो में नहीं कभी भी बाद में बताऊंगा, वही मैं अगेन की मैं बता दूंगा तो फिर उसी पर डिपेंड हो जाएगा। अभी पूरी 8th class पूरा पढ़ जाइएगा, 9th 10th में सेलेक्टिव चैप्टर में बताऊंगा, एक बार उसको पूरी पढ़ लीजिए, फिर बताऊंगा अगले वीडियो में कि कैसे कैसे पढ़ना है इसको। एनसीईआरटी बिहार बोर्ड में से कोई एक पढ़ लीजिएगा, जरूरी नहीं है दोनों पढ़िएगा, साइंस के मामला में दोनों नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी बिहार बोर्ड में से कोई एक, ठीक है, कोई एक पढ़िएगा, और जो है मैं पूछेगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ बैच में, तो मैं बिहार बोर्ड पढ़ा रहा हूँ, है ना, क्योंकि दोनों सेम है, अलग नहीं है, एनसीईआरटी बिहार बोर्ड दोनों ही सेम है, 9th और 10th देखिएगा था, एनसीईआरटी बिहार बोर्ड 2 copy सेम है, 8th class में थोड़ा बहुत अंतर देता है, ठीक है, तो आप जो है मन करे तो ले सकते हैं, मन करे तो पढ़ सकते हैं, हालांकि दोनों ही मैं प्रोवाइड करा देता हूं, पीडीएफ जो है आप लोग को मिल जाएगा एप्लीकेशन पे। दूसरा सबसे बड़ी बात क्या है, जिनका जो है जो साइंस मेन में है उनके लिए 6 to 8 और 9 10 वाले, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, और ये तो समझ आ गया आपको, यहाँ से पढ़ लीजिएगा और इसके प्लस क्या कीजिएगा, अभी 1 to 5 का पहले बता देता हूँ, ये हो गया, अब उसके बाद क्या कीजिएगा, आप उसके बाद लूसेंट पढ़ लीजिएगा, लूसेंट जो है पढ़ लीजिएगा, लूसेंट पढ़ लीजिएगा, उसके बाद क्या पढ़िएगा, SPD आता है रेलवे साइंस का, इसको पढ़ लीजिएगा, और दोनों का ही MCQ बुक जो है आता है, दोनों का MCQ बुक आता है, दोनों का ही। SPD में तो ऑलरेडी लास्ट में दिया रहता है MCQ, लूसेंट का एक अलग बुक ही आता है ऑब्जेक्टिव का बुक, ये दोनों ही बुक ऑलरेडी ऐप पर मिल जाएंगे, ऐप से जाके वहां से आप पढ़ सकते हैं, PDF ऑलरेडी वहां पर दिया गया है, ठीक है, यहां से कर सकते हैं। इसके अलावा जो है 1 to 5 वाला के तो यहाँ से काम चल जाएगा, हो जाएगा पूरी तरह से, PYQ कर लेंगे, हो जाएगा। 6 to 8 वालों के लिए मैं बड़ी खुशखबरी बता रहा हूँ, 6 to 8 वालों के लिए क्या है, जिनका मेन साइंस है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे, मैं आर्ट्स आप लोगों को पढ़ाता हूँ, साइंस जो है सिर्फ GS के लिए पढ़ाता हूँ, मेन का नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन आप लोग बार बार कह रहे थे कि थोड़ा सा आप बताइए कि साइंस में कौन सा बुक बेहतर है। एक बुक मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है ना यहाँ पर इनसाइक्लोपीडिया सामान्य विज्ञान, किसका है, यहाँ देखिएगा ध्यान से, अरिहंत का बुक है, किसका, अरिहंत का बुक है, और ये जो बुक है ना यहाँ ध्यान देखिएगा तो लिखा हुआ एनसीईआरटी विज्ञान, एनसीईआरटी विज्ञान की पुस्तक है,
पुस्तक पर आधारित, यानी ये जो बुक है ना, ये बुक 800 पेज का है, 800 पेज का ये बुक है। और ये पूरी ही किताब मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ एप्लीकेशन में, पूरा ही किताब है ना 800 पेज का। ये पूरा किताब आपको मिल रहा है वहाँ पढ़ने के लिए, लूसेंट है, एसपीडी है, ये है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, इसके अलावा जो है क्या है, मेरा एनसीईआरटी बिहार बोर्ड का एमसीक्यू तो अलग है, जो एनसीईआरटी बिहार बोर्ड का आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू दे देंगे वो अलग। उसके अलावा जो है ना 13,000 क्वेश्चन है, कितना है 13,000। कैसे मैं बोल रहा हूँ 13,000, मेरे पास जो एमसीक्यू का पेज है 1354 या कितना पेज था, पेज आप लोग अपलोड और ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। जो बैच वाले हैं जिनको मिल गया होगा कमेंट कीजिएगा आप लोग कि कितना पेज का मैंने पीडीएफ अपलोड किया है, 1300 पेज से ज़्यादा का है। और प्रत्येक पेज में 10 से ज़्यादा क्वेश्चन है, आप ऐसे ही देख सकते हैं कि 13,000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको साइंस का दे रहा हूँ। और वो सारे के सारे क्वेश्चन किताब के अंदर से बने हुए PYQ है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ वो क्वेश्चन है। इसमें कोई भी क्वेश्चन जो है आपका घटना चक्र का नहीं है, ये अलग अलग क्वेश्चन है। इतना क्वेश्चन आपको उसमें मिल रहा है। अब वो क्वेश्चन कर लिए, एनसीईआरटी बिहार बोर्ड का कर लिए, तो समझिए कि आपकी तो साइंस हो गई। और ये जो बुक मैं दिखा रहा था ना, फिर अगेन दिखा दे रहा हूँ बुक, ये बुक जो है, इस बुक को देख लिए, नज़दीक ला दे रहा हूँ, यहाँ देख लीजिए। ये बुक जिनको लेना होगा, इच्छा होगी ले लेंगे, आपकी मर्जी है, अगर खरीदना होगा तो खरीद लेंगे। पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ ऑलरेडी वहाँ है, एक बार पीडीएफ खोल के देख लीजिएगा, आपको बेहतर लगेगा तो पढ़ लीजिए, उसमें से खरीदना होगा तो खरीदिएगा, नहीं तो वहीं से पढ़ना होगा पढ़ लीजिएगा। चैप्टर वाइज दिया गया है और हर एक चैप्टर में लास्ट में उसका एमसीक्यू भी दिया गया, बहुत ज़बरदस्त बुक है। यहाँ से साइंस की कहानी आपकी खत्म हो जाएगी, पूरी तरह से हो जाएगा। 6 to 8, 9, 10 दोनों के लिए बेस्ट बुक है ये साइंस का। वही हो गया, फिर आपका अदर बुक में बता दिया, अदर बुक ये वाला हो गया, आप कर सकते हैं। स्टैटिक के लिए आप जो है लूसेंट का जो है ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों ही कर लेंगे, एसपीडी का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही कर लेंगे, PYQ आपका BPSC से कर लेंगे, BPSC PT का जो पूर्वा अवलोकन बुक आता है, ठीक है ना। ये लूसेंट वाला बुक आप सभी ऑलरेडी पता है आपको, लूसेंट का ये सब्जेक्टिव बुक है और ये लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक है कि नहीं है, ये बुक आप सभी को ऑलरेडी पता है ना। ये सारे बुक एसपीडी साइंस का ये बुक है, रेलवे एसपीडी का, यहाँ से ये वाला लेके पढ़ सकते हैं। इसका एक बुक आता है, ऑब्जेक्टिव बुक भी आता है, जिसका नाम होता है रिवाइज योर सेल्फ, वो भी बुक ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। जिन्होंने पूछा था कि क्या सर ये वाला से हो जाएगा, देखिए न्यू वाला में और ओल्ड वाला में अंतर दिखा रहा हूँ मैं आप सभी को। देखिए ये भी है भारत का भूगोल दिख रहा है, ये नया वाला है, और ये मैं ये दिखा रहा हूँ पुराना वाला। ये इसमें कॉन्टेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, और इसमें उतना नहीं है, इससे क्वेश्चन उतना नहीं लड़ रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाए कि सर आप महेश कुमार का नाम रख रहे हैं और क्वेश्चन कहाँ इसमें से आ रहा है। तो आप भाई मेरे इस बुक को अगर मिल जा रहा है ना, या भाई इसका पीडीएफ डाला हूँ, आप एक बार पीडीएफ को खोल के मिला लीजिए क्वेश्चन, आपको अगर नहीं लड़ेगा तो फिर कमेंट कीजिएगा कि नहीं आप झूठ बोल रहे थे, मिला के देखिए आपको खुद समझ आ जाएगा, ठीक है, है ना। तो ये नया वाला, ये सब जितना भी बुक आप मेरे पास भेज रहे हैं व्हाट्सएप कर रहे हैं, सब नया वाला है, ओल्ड वाला नहीं मिलता है। कहीं कहीं होगा तो ले लीजिएगा, मिल जाएगा तो, नहीं होगा तो एप्लीकेशन से पीडीएफ से पढ़िएगा, जो आपकी इच्छा हो जैसे भी हो। तो सारे क्वेश्चन मैंने बता दिया, कैसे पढ़ना आपको, कैसे किस तरह तैयारी करना, ये चीज़ें मैंने समझा दिया। अब जो है ना, जितना भी बुक मैंने बताया उसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव जो है दोनों ही ना आपको क्या कर लेना है, पढ़ लेना आपको ना, चाहे एनसीईआरटी हो है ना, चाहे आपको बिहार बोर्ड हो, चाहे अदर बुक हो, या आपका लूसेंट हो है ना, PYQ हो, ठीक है। इस सब का जो है मैं आप लोग को जो है एमसीक्यू प्रोवाइड करा रहा हूँ है ना। एमसीक्यू पर्सनल एनसीईआरटी बिहार बोर्ड का बना हुआ है, उसके बाद अदर बुक का है, सबका जो मैं आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूँ ऑलरेडी आपको प्रोवाइड। एक बार जाते जाते आप एप्लीकेशन देखते जाइएगा, उस एप्लीकेशन पर बहुत ही मिनिमम चार्ज में सारे बुक से सारे पीडीएफ हर चीज़ आपको मिल जाएंगे। बुक का ये लोगो देखेंगे, आपको सर्च करना है, क्या सर्च करना है या दिखा दे रहा हूँ आपको सर्च क्या करना है, आपको सर्च करना है, आपको जाके प्ले स्टोर पर जाइएगा, प्ले स्टोर पर जाके सर्च कीजिएगा, क्या सर्च कीजिएगा तो ASC Academy, देखिए यहाँ पर सारा चीज़ मौजूद है, क्या सर्च कीजिएगा ASC Academy, ऐसे सर्च कीजिएगा, जैसे ही सर्च कीजिएगा आपको जो है इस तरह का लोगो मिलेगा, इस तरह का लोगो आपको देखने को मिलेगा, ये लोगो इस तरह देखेगा, उसके बाद इंस्टॉल कीजिएगा, इंस्टॉल करके उसके बाद लॉगिन मांगेगा ना, आप रजिस्टर करके लॉगिन कर लीजिएगा, और लॉगिन करने के बाद जो है आप जो है यहाँ पर आ जाएंगे, कहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर ये वाला पेज खुलेगा लॉगिन करने के बाद,
कोर्स में जाइएगा। कोर्स में जाने के बाद जो है दुनिया भर के कोर्स आपको देखने के लिए मिलेगा, बहुत सारे कोर्स देखने के लिए मिलेगा इसमें। ये तो ओल्ड वाला है, नया नया और भी कोर्स उसमें ऐड हुए होंगे, उसको देख लीजिएगा ठीक है। उसके बाद उसमें जाइएगा, आप खोलिएगा तो जितने भी पुराने वीडियो है, रिकॉर्डेड वीडियो आपको वहाँ मिल जाएंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे। अब ये सब पुराना पीडीएफ मैं दिखा रहा हूँ, उसमें सारे उसके बाद पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएगा, हर क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, बुक आपको मिल जाएगा, इस तरह का बुक मिल जाएगा आपको ठीक है। ये चीज़ वहाँ मिल जाएगा और पूरी चीज़ वहाँ डिटेल से पढ़ सकते हैं। उम्मीद है कि आपका जो है वीडियो आप लोगों के लिए फायदेमंद रहा होगा। और उसमें बहुत ज़्यादा एमसीक्यू, बहुत ज़्यादा एमसीक्यू दिया गया, उतना एमसीक्यू कर लीजिएगा तो बहुत सारे आपको क्वेश्चन वहाँ से देख सकते हैं, हुबहू वहाँ से आ सकते हैं क्वेश्चन। सर्च करना है, देख लेना, एक बार इंस्टॉल करके जरूर रखिएगा। हो सकता है कि कभी कभार ऑफर आता है तो ऑफर में आपकी कई मूड बदल जाए, आपकी दिमाग थोड़ा सा चेंज हो जाए, माइंड आपको बन जाए कि हमें ले लेना चाहिए, तो ले लीजिएगा। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, कोई डाउट रह गया होगा तो आप जो है नंबर आप जो है जाते जाते लेते जाइए, नंबर लेते जाइए कि आप फिर कहिएगा कि नंबर नहीं है कैसे बात करेंगे, तो ले लीजिए। और कोई भी समस्या हो तो नंबर पर कॉल जरूर कीजिए, 9900550148 इस नंबर पर कॉल कीजिए, बेधड़क कीजिए। मेरा कोशिश है कि आपकी कोई भी डाउट है उसको क्लियर किया जाए, ये नहीं कि डाउट ही छोड़ दिया जाए। तो बताते समय हो सकता है कि बाई मिस्टेक कोई चीज़ें छूट गया हो, या हो सकता है कुछ उल्टा बता दिया हूँ ठीक है। ज़रूरी थोड़ी कि एकदम एक्यूरेट ही हो जाएगा, मशीन तो है नहीं कि पहले से रिकॉर्ड किया वही चीज़ यहाँ बोल रहा हूँ, है कि नहीं है। तो वो चीज़ें जो है ना, आपको कोई डाउट लगेगा तो इस नंबर पर कॉल कीजिएगा, आप पूछिएगा कि ये चीज़ें मुझे समझ नहीं आई है, या कुछ और समझना है, और भी कुछ चीज़ें जाननी है, तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं एनी टाइम ठीक है। तो अच्छा रहेगा कि आपकी डाउट हो, पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं तो पूछ लीजिएगा, है ना। वरना बहुत सारे ऐसे जो रहते हैं कि नहीं समझे तो उनको लगेगा कि भाई हमें समझ नहीं है, बेकार बता दिए। तो आपको अगर बेकार लग रही होगी तो कॉल कीजिएगा, बात करने से बात बनेगी ना। तो यहीं पर वीडियो एंड करते हैं, फिर किसी दूसरे क्लास मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।